बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सालिग्राम को लेकर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सालिग्राम शादी समारोह में दलित वर्ग के लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं तथा उन्हें अपशब्द भी कह रहे हैं। बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था, उनके भाई सालिग्राम का विवाद शुरू हो गया। दरअसल सालिग्राम का गुंडागर्दी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सालिग्राम मुंह में सिगरेट दबाए हाथ में कट्टा लहराकर बारातियों को धमका रहे हैं, और वो धमका ही नहीं रहे बल्कि दलित वर्ग के लोगों के खिलाफ अपशब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पीड़ित दलित परिवार ने बताया कि सालिग्राम दारू पीकर विवाह समारोह में हंगामा कर रहा था और उनके गुंडे बारातियों के साथ मारपीट भी कर रहे थे। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आई तथा उन्होंने वीडियो की जांच के लिए टीम गठित की। वहीं बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मामले में कहा कि हर मामले को बागेश्वर धाम से नहीं जोड़ा जाए, कोई क्या कहता है इसकी जवाबदारी वो नहीं ले सकते। ऐसी जानकारी अभी किसी भी द्वारा माध्यम के द्वारा पुलिस को नहीं मिली है, इसी बात की जांच की जा रही है कि वीडियो है कहाँ का, जो भी व्यक्ति इस वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे या जहाँ की भी घटना होगी उस अनुसार इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डीजे वाले कछु इंतजाम, कछु न करो, खाना पीना का स्वागत होगा पहले, फिर सीधे खाना बुला दो बारात, खाना खाओ दो पाँच मिनट बनने, फिर हम और लगे तो हम खाने लगे, सुजल बाबू गाय गुज गुज कर गंदी गंदी मारपीट भी करने लगो, हथियार भी लें तो और दारू पी गया गिरत भी तो हन के दारू पिए तो दो एक लड़का संगे दोगे, और फिर बिटिया वाले घरे गो बिटिया मिल जाती बताई तो वही हम भी मार दो, जो भी बताओ आदमी ने कि एक बिटिया हो एक दमन बरात आई थी दमान हा मताई हम आओ तीन जना जिनका हम कहीं नहीं रहता, हम अपने काम में अपनी सेवा में अपने यज्ञ में साधु सेवा में मस्त रहते हैं। हमें ये पता है कि नाम अगर बागेश्वर धाम बाटा जी से जोड़ दिया जाए तो लोग देखते हैं कि आपको क्या है वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।